वेलकम बैक फ्रेंड्स, त्रिदेवी इन्वेस्टमेंट लैब में आपका स्वागत है। तो आप हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ HDFC के शेयर के बारे में, यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के शेयर के बारे में। इस कंपनी ने अपना रिजल्ट क्लियर कर दिया है, तो आप देख सकते हैं मैं आपको आज क्लियर करने वाला हूँ इसके नेट इनकम्स, टोटल इनकम्स, यानी कि जो ये शेयर जो है आज प्रॉफिट में है या फिर लॉस में, इस बार जो है अपना कंपनी आपके साथ डिस्कस कर रहा है। तो आइए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने ये चार्ट लगा रखा है, जो कि आपको ये Q1, Q2 आपके गाइस Q क्वार्टर एंड क्वार्टर का चार्ट देखने को मिल रहा है, और ये गाइस ईयरली एंड ईयरली का चार्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं इसका जो है रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन तो आप देख सकते हैं 10,523 का देखने को मिल रहा है, जो कि अगर बात करें तो ये रुपीज इन करोड़ में आपको देखने को मिल रहा है, जो कि इस कंपनी ने आपके साथ डिस्कस किया है रुपीज इन करोड़ में। तो 10,523 आपको देखने को मिल रहा है। अगर बात करें क्वार्टर एंड क्वार्टर की, तो आप देखते हैं 10,446 देखने को मिल रहा था, जो कि अगर बात करें तो ये पिछले क्वार्टर और इस क्वार्टर में आपको एक तरह से फ्लैट देखने को मिल रहा है। और अगर बात करेगा इस ईयर एंड ईयर की, तो आपको ये 10,790 देखने को मिल रहा है, जो कि अगर ईयर एंड ईयर की भाई बात करें तो आप देखते हैं आपको एक तरह से फ्लैट भी देखने को मिल रहा है, जो कि आप इसे फ्लैट भी कह सकते हैं। और आगे देखें तो आप देख सकते हैं आगे मैं इसका टोटल नेट इनकम, यानी कि जो टोटल इनकम इसका है, मैं आपको ये क्लियर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस बार जो है क्वार्टर में ये गाइस आपको 11,663 देखने को मिल रहा है, और अगर बात करें क्वार्टर एंड क्वार्टर की, तो आप देख सकते हैं 11,707 देखने को मिल रहा है, जो कि आप एक तरह से इसमें भी आपको फ्लैट देखने को मिल रहा है टोटल इनकम भी। और अगर बात करें ईयर एंड ईयर की, तो आप देख सकते हैं 13,019 देखने को मिल रहा है, जो कि अगर ईयर एंड ईयर की बात करें तो ये पिछले ईयर की अपेक्षा इस बार जो है आपको ये थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, थोड़ा डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो बात करें गाइस आगे की इसकी, यानी कि जो इस कंपनी जो टोटल इनकम की है, तो उसके बाद इसका खर्च भी बनता है, आगे प्रॉफिट भी इसका कितना होता है, तो आइए देखते हैं। तो गाइस इसके अगर खर्च की बात करें, तो आप देखते हैं इसका जो टोटल एक्सपेंस, यानी कि टोटल खर्च जो है आप देख सकते हैं 7,758 देखने को मिल रहा है, और अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात करें, तो आप देख सकते हैं 7,783 देखने को मिला है, जो कि आपको एक तरह से फ्लैट देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें ईयर एंड ईयर की, तो आप देखते हैं 9,412 देखने को मिल रहा है पिछले ईयर के, और अगर बात करें इस ईयर की, तो आपको ये थोड़ा डिक्रीज यानी कि डिक्लाइन आपको ये कम आपको मिल रहा है देखने को लिए, इसका जो है एक्सपेंस यानी कि खर्च आपको जो है पिछले ईयर के अपेक्षा इस ईयर में जो है आपको थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। अगर ये क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात करें, तो आप तरह से फ्लैट भी देखने को मिल रहा है आपको। अगर बात करें जाकर देखें तो इसका जो है नेट प्रॉफिट जो है इसका क्या हो रहा है, तो आप देख सकते हैं इसका जो है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका है वो तो बस 22 बच रहा है इसका, 3,000 करोड़ का आपको देखने को मिल रहा है। अगर बात करें क्वार्टर एंड क्वार्टर की, तो आपको ये 3,179 देखने को मिल रहा था, जो कि इस बार जो है थोड़ा आपको डिक्रीज यानी कि एक तरह से फ्लैट भी आप कह सकते हैं, थोड़ा कहीं डिक्रीज आपको देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें ईयर एंड ईयर की, तो आप देख सकते हैं 3,051 देखने को मिल रहा है, जो कि अगर बात करें ईयर एंड ईयर में, तो इस बार जो है आपको थोड़ा फ्लैट देखने को मिल रहा है। तो आइए इसका बात करते हैं EPS की, यानी कि अर्निंग पर शेयर की देखें, तो आप देख सकते हैं इसका जो है अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर में आपको ये 16.63 देखने को मिल रहा है। अगर बात करें इसका क्वार्टर एंड क्वार्टर की, यानी कि इस पिछले क्वार्टर की देखें, तो ये 17.63 देखने को मिल रहा था। अगर ईयर एंड ईयर की बात करें, तो आपको देख सकते हैं ईयर एंड ईयर में, यानी गाइस 17.62 देखने को मिल रहा है, जो कि आपको एक तरह से थोड़ा सा डिक्लाइन यानी कि थोड़ा डिक्रीज देखने को मिल रहा है। और अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात करें, तो उसमें भी थोड़ा सा डिक्रीजिंग देखने को मिल रही है इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर की अपेक्षा। बात करें इस कंपनी के शेयर के बारे में, यानी अगले दिन इसका जो शेयर में उछाल आ सकती है या फिर ये शेयर डाउन बना सकता है, तो आप देख सकते हैं इसका जो नेट इनकम आपको क्लियर करूं, यानी कि टोटल प्रॉफिट में आपको क्लियर करूं, तो आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर के पीछे इस बार जो है थोड़ा डाउन ये बनाया है, इसलिए आपको थोड़ी असर देखने को मिल सकती है इसके शेयर प्राइस में भी। तो ये शायद हो सकता है आपको ये थोड़ा डाउन देखने को मिल सकता है, लेकिन थोड़े से कहीं अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है गाइस, ज्यादा का गैपिंग नहीं है। तो हो सकते हैं अगले दिन आपको थोड़े समय के लिए डाउन मिले, लेकिन हो सकती है अगले दिन आपको फिर से अच्छी खासी मार्केटिंग दिखे। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्स गाइस, वीडियो को लाइक करें, और हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस करें और हमें ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।